मैं लवज फिर दोहरा दें, नाल ही आने दोस्ती वड्डा रे उस होने हो। कबीर ने तो इत्थे तक कह दिता परमात्मा नाल जुड़न वास्ते परमात्मा वर्गा ही होना पड़ेगा। हर जन ऐसा चाहिए जैसा हरि ही होए। जिस दिन मनुख हरि वर्गा बनता है कहिंदे हरि उसे दिन ही प्रगट होंदा, इस तों पहले नहीं। अगर किसी की जिंदगी च हरि प्रगट होया तो उसने हरि नु सुन सुन के अपने आप नु हरि वर्गा बना लिया, हरि प्रगट हो गया। मूल गल ते जिहड़ी है वह इतनी है। तो खैर मैं अर्ज करा जो सीधे बोलों नु सुन लेंदे ने अवतार, ते जो अवतारां दे बोलों नु सुन के समझदे ने भगत ने ब्रह्म ज्ञानी ने संत ने गुरमुख ने गुरसिख ने, उही मुसलमान है जिन्हें मुहम्मद साहब दे राही खुदा दी गल सुन ली। उही हिंदू है जिन्हें कृष्ण दी गीता दे राही प्रभु नु सुन लिया। पता नहीं गीता नु सुनन वाले गीता दा पाठ करन वाले किन्ने किन्ने बेशुमार, पर भगत ते कोई एक कद होंदा है। देखण नु ते गुरबाणी सुनन वाले कितने ने, बहुत अणगिणत। पर वाकई कोई गुरसिख हो गया होवे, गुरमुख हो गया होवे, ब्रह्म ज्ञानी हो गया होवे, भगत हो गया होवे, कोई एक कद। और जिहड़ी गिणती सतगुरु पेश करदे ने इहदे नाल ते निराशा भरी आउंदी है। कोटन में नानक को नारायण जय जीत, जन नानक कोटन में किन्हो गुरमुख होए पछाना। कोई करोड़ां च एक अद गुरमुख पहचान कर बंद कर सकता है, कर लैंदा है, सफल हो जाता है। तो करोड़ां दे च एक दो इह ते कोई बहुत वड्डी गिणती नहीं है, इह ते कोई ज्यादा तादाद जो है नहीं है। तो खैर मैं गल जो है लमकावा ना, हर मनुख जितना अपने बोलां राही प्रगट आउंदा है होर किसे राही नहीं। इस दे बोलां तो पता चल सकदा तमोगुणी है, रजोगुणी है, सतोगुणी है, जल्दबाज है, सबर शांति वाला है, क्रोधी है। इस दे बोल दसदे ने, बोलत ही पहचानिए साध असाध को थाट, अंतर की करनी सबे निकसे मुख की बाट। जे मनुख दी पूरी पहचान उसके बोलां राही है, मैं फिर अर्ज करा रंग रूप दे राही सब पहचान अधूरी है, कुछ भी नहीं पता चलेगा। और जो पैमाना रंग रूप दा रख लेंदे ने वो धोखा खा जांदे ने। उन्होंने अष्टावकर नूं पत्थर मारे, उन्होंने व्यास दी उस जमाने तोहीन की थी, क्रूप बंदा सी, सब तो क्रूप। आप सुन के हैरान होवोगे बिदर व्यास दा लड़का है, पर ये नौकराणी दे राही पैदा होया है, दासी राही। दासी सुत जन बिदर सुदामा, उगर सैन को राज दिए। पत्नी छोड़ गई सी व्यास नूं, कसूर क्रूप है बहुत, इसनूं देखना औखा है। इन्ना क्रूप, इतना भद्दा मनुख, इतनी इसकी शकल, पत्नी छोड़ के चली गई सी। ये दासी दी कुख तो पैदा होया है बिदर। इस वास्ते बिदर नूं शूद्र कहिंदे सन। दासी दा लड़का है, गोली दा लड़का है, नौकराणी दा लड़का है, दासी सुत। गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज दे च ये प्रमाण मिलता है। दासी सुत जन बिदर सुदामा, उगन सैन को राज दिए। पर इस बिदर नूं कृष्ण ने गल नाल लाया। एक ऋषि दे घर ऋषि आया। अक्सर ऐसा होंदा है, कृष्ण ने गलवकड़ी च लिया। जब हस्तनापुर पहुंचे तो नाल दे अहलकार श्री कृष्ण नूं कहिंदे ने भगवान उतारा किथे करना है। असी दुर्योधन नूं इतलाह कर दित्ती है एक राजे दा, राजे दे घर ठहरना ठीक होंदा है। एक राजा राजे दे घर ही ठहरे, और एक राजे लई एक राजा ही इंतजाम कर सकदा है, दूसरा नहीं। थोड़े नाल लाओ लश्कर है, तुसी हो। तो दुर्योधन नूं इतलाह कर दित्ती गई है, आप दे रहन बहन दा उन्होंने पूरा इंतजाम किया है। कृष्ण कहन लगे आपां बिदर दे घर जावांगे।
इतना इंतजाम नहीं है उथे, थोड़े नाल इतना लाओ लश्कर, लाओ लश्कर का इंतजाम असी खुद करांगे, असी ठहरांगे बिदर देकर। हैरानगी और स्वागत लई दुर्योधन खड़ा रहा, उड़ीकदा रहा, बूहे थे महलां दे बूहे थे, नहीं पहुंचे। तो कन्ना दे जद खबर पहुंची तो बिदर दे घर चले गए, तो फैसला कीता रात भी उत्थे ही कटनी है। तो खिमा करनी, सवेरे ये बड़ा रुखा बोलिया दुर्योधन कृष्ण नूं, भाई गुरदास ने लिखा, आया सुनिया बिदर दे बोले दुर्योधन होए रुखा। बहुत रुखा बोलता है, राजा होके भी ग्वाले दा ग्वाला रहे हैं, तू गुजर दा गुजर रहे हैं, साडे नौकर दे घर ठहरे हैं, नौकर है बिदर साडा, साडे राजसभा दे दीवान है, सलाह मशवरा देने वाला सलाहकार रखिया सी, मुलाजम है साडा, मुलाजम दे घर रहे राजे होके। तो कृष्ण का जो जवाब है वह भगत कबीर ने अपनी बाणी च कलमबंद किया है, गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज दे दर्ज है, राजन कौन तुम्हारे आवे, ऐसो भाव बिदर को देखो ओ गरीब मोए भावे, ऐ राजन तेरे घर कौन आवे, कौन ठहरे तेरे घर, राजन कौन तुम्हारे आवे, ऐसो भाव बिदर को देखो ओ गरीब मोए भावे। वो गरीब मैनू बहुत चंगा लगता है, परमात्मा की भावना है उसके अंदर। दुर्योधन कहिंदा है, इत्थे असी इतने पकवान बनाए थोड़े खाण लई, ते थोड़े मनोरंजन लई नर्तकियां बुलाईयां, राग रंग की महफिल सज सके चोटी दे संगीतकार बुलाए, उस गोले दे घर खाण नूं की मिलिया होवेगा। तो कृष्ण ने जो कुछ कहे कबीर कलम बंद कर देने, खीर समान साग में पाया गुण गावत रैन बिहाने, तेरे घर राग रंग दे रात बतीत होनी सी, उत्थे असी सारी रात हरी दा कीर्तन करते रहे मिलके, गुण गावत रैन बिहाने, तेरे घर दी फिजा ऐसी नहीं सी कि मैं सारी रात गीत गा सकां प्रभु दे, तेरे घर का माहौल ऐसा नहीं सी कि मैं सारी रात बंदगी कर सका, गुण गावत रहन बिहाने, शायद तेरे 36 प्रकार के पकवाना दे भी वह स्वाद ना आता जो अलूणे साग दे मैनों मिले है, जो बिदर ने बनाया सी, बिदर दी घरवाली ने बनाया। खीर समान साग में पाया गुण गावत रहन बिहाने, कबीर को ठाकुर आनंद विनोदी जात न काहूं कि माने। हालांकि अछूत सी, शूदर सी, दासी दा लड़का होण दे नाते, लेकिन हिरदे दे तल ते, ज्ञान दे तल ते उच्ची ऐसी हस्ती कृष्ण दा तालमेल बैठे, दुर्योधन नहीं सुन सकया, कृष्ण नूं सुन सकया। 17 दिन समझांदे रहे कृष्ण, रब्बी बोल रखदे रहे उहदे सामने, परमात्मा दे बोल रखदे रहे, और कृष्ण बार बार दावा कहिंदे सन, रब्बी सिद्धांत यही है, ईश्वरी सिद्धांत यही है जो मैं कह रहा। तो पता दुर्योधन की कहता सी, मेरे विचार ये ने जो मैं कह रहा, मैं 5 सुइयां जितनी भी जगह नहीं देनी, तुसी 5 पिंड की गल करते हो। तो कृष्ण कहते हैं, जो मैं कह रहा ये ईश्वरी सिद्धांत है, ईश्वरी सच्चाई है, कबूल कर ले। तो दुर्योधन कह रहे, जो मैं कह रहा ये मेरे नापे तोले विचार ने, तुसी मन लो, तुसी कबूल करो। अगर दुर्योधन दे विचार कृष्ण कबूल कर लेन तो मैं 2 शब्द कह दें, कृष्ण भी दुर्योधन वर्गे ने, फिर कुछ भी नहीं ने। गुरु साढ़े विचार सुन लवे तो फिर पूजन की की लोड़ है, गुरु नूं सुनना है, सुनाना नहीं है। अगर गुरु नूं कोई एक दफा सुन लवे, बिना बोलिया ही गुरु सारे सुन लेंदा है, बिना बोलिया सब किस जानदा, ते हकीकत है।
और कई दफा बहुता बोलना भी झक मार नहीं आता है। बहुता बोलन झखण होए, विण बोले जाने सब सोए। तो खैर मुख्तसर में अर्ज करा, परमात्मा सदा बोल रहे है। ठाकर हमरा सद बोलन था, सदा बोल रहे है। वो जो सदा बोल रहे है, जद कदी ये बोल किसी की पकड़ दे आ जाते ने तो वह जगत न सुनांदा है। बस ओही पुरुष अवतार ने, गुरु ने, पैगंबर ने सीधे सुन लिया, परमात्मा सीधा ही सुन लिया। तो जो गुरु पैगंबरां दे राही अवतारां दे राही सुन के निरंकार नाल जुड़ते ने, भगत ने, संत ने, ब्रह्म ज्ञानी ने, अवतार ते ब्रह्म ज्ञानी च बस इतना ही अंतर है। जुड़ते हो भी परमात्मा नाल, ईश्वर नाल, आनंद उन्हां कोल भी ओही हो जाता है। पर उन्हां दे विचोले अवतार ने, विचोले गुरु ने, उन्हां दे राही वो प्रभु नाल जुड़ गए, अपने आप नू प्रभु वर्गा बना सके। तो गुरु नानक दे कंठ तो मंत्र निकले, मंत्र बोल, गुरु मंत्र, गुरु दे बोल, और ओ बोल जो खसम दे बोल ने, प्रभु दे बोल ने। तो जिहड़ा पहला बोल निकले है उन्हों सिख जगत दे कहिंदे ने मूल मंत्र, बुनियादी मंत्र, पहला मंत्र। इस मूल मंत्र की व्याख्या मैं कल तो थोड़े सामने लड़ीवार आरंभ करांगा। लेट थानू नहीं करना, तुसी दूर दूर तो आउंदे हो तो फिर वापस जाना होंदा है, लंगर भी जो है छकना होंदा है, अपने अरदास दे भी शामिल होना है। तो मैं लेट ना करा आपनों। मूल मंत्र, मूल विचार, पहली गल जो गुरु नानक ने सुनी, जो गुरु नानक दी पकड़ दे आई और उसनों बार बार गुरु ग्रंथ साहब दे दर्ज करना पिया। बार बार जिथे नवा राग शुरू होवे, नवा शब्द शुरू होवे, कोई नवी गल शुरू होवे, ये मूल मंत्र मौजूद है। ये जो सब तो पहले पकड़ दे आया है गुरु नानक दे, इनू कहिंदे ने सिख जगत दे मूल मंत्र, बुनियादी मंत्र, बुनियादी बोल जो गुरु नानक दी पकड़ दे आया। तो मैं फिर अर्ज करा, बोल सारे ही परमात्मा दे, ईश्वर दे, तुच्छ बुद्धि अनुसार इन्हां दी व्याख्या आप जी दे सामने कल तो रखण दी इक निमाणी कोशिश करांगे। लड़ीवार दो हफ्ते मैं थोड़े चरण परसने ने, उम्मीद है आप समा कढ़ के, क्योंकि समय दा दान कीते बिना गल बनदी नहीं। सब तो वड्डा दान अज दे युग च, खास करके इन्हां देशां च, ते समय दा दान सब तो वड्डा दान है, वक्त दा दान। मैं देखे बहुत सारे धन कढ़ सकदे ने, समा नहीं कढ़ सकदे। बहुत सारे अन्न पानी कढ़ सकदे ने, समा नहीं कढ़ सकदे। भेज दिता राशन पानी लंगर लई, कई अखंड पाठ रखा सकते ने, दान दे सकते ने, समा नहीं कढ़ सकते। मुख वाक सुनने लई भी फोन ते पुछदे ने, वाक की आया सी जी, रख दिता अखंड पाठ के नहीं। तो समा दान कीते बिना ते गल नहीं बनेगी, वकत दान करना। तो थोड़ा जिहा आप वकत दान करना, थोड़ा समा बहुता नहीं लिया करांगे, घंटा कम से कम 24 घंटिया, जे एक घंटा भी गुरु नूं ना दे सकीए फिर ते समय दे प्रति असी बहुत शोम, बहुत शोम, इंज कहना पएगा, बहुत वड्डे शोम। तो आपने समाधान करना है ताकि दास तुच बुद्धि अनुसार आपनों गुरु दे मंत्र सरवण करा सके। बोल चुक दी शमा, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। 2000 साल पहले और तंत्र सिद्धि थोड़े दिनों की साधना तो बाद प्राप्त हो जाती है, अगर कोई पुख्ता इरादे का बंदा है। हिंदुस्तान देश इस वक्त एक बड़ा मशहूर तांत्रिक इस वक्त जेल देश है, चंद्रा स्वामी। शायद आपने पेपर पढ़े होवन, अखबार पढ़े होवन, खबरां सुनिया होवन। इसने अपनी तांत्रिक साधना नाल बड़िया बड़िया मुट्ठी च कीता और उन्होंने को गलत काम कराया है। और उन्होंने गलत कीते और जब इसनों गिरफ्तार कर आए, मैं उदों हिंदुस्तान दे ची सी जिस दिन यह अरैसट होया। इन्हें कहा मैनू अरैसट किया तो मैं सारे राज उगल देंगा जो इन्होंने सारे ने किते ने कम, मैं सब उगल दें।
पर जिन्हां दे राज उगलदे सन उन्हां दी हकूमत रही नहीं सी, कोर्ट ने अंदर कर दिता है, जेल दे च है। इसने कुछ अरसा पहला ऐलानिया भी किया कि दो चार पत्थर दियां मूर्तियां ने अगर दुध पीता है गणेश दा, गणेश दी मूर्तियां ने, मेरी तांत्रिक सिद्धि नाल। इसने भारत विच ऐसा दावा किया, ऐलानिया। थोड़ी जिहा बचपन तो मैं इहदा सिलसिला देखिया है। अलवर तो कोई 32 मील की दूरी ते एक कस्बा है बैरोड़, ये उत्थों दा वासी है। अक्सर इसका अलवर आना जाना रहा है, धार्मिक समागमां विच बोलना भी रहा है। इसका तांत्रिक योगी है। दिल्ली दे जो इसका आश्रम है, पुराने किसी भी राजे महाराजे का इस तरह का महल सुंदर नहीं हो सकता। और एक अंदाजे के मुताबिक जो लोग कहते ने, इस महल नुमा आश्रम ते अज दे हिसाब नाल घट तो घट 10 करोड़ रुपया खर्च होना चाहिए। तांत्रिक विद्वान साईं बाबे नू भी तांत्रिक योगी मनते ने, यह भी मैं अर्ज करते हैं। तुसी जो भी कुछ कहो वह अपने हत्थां चो कढ़ सकदा है, उहदे केसां चो राख निकलदी है, लखां दे इकट्ठ दे च उहदी तस्वीर दे चों भी राख निकलदी है। वह होर भी इस तरह की बहुत सारिया प्रदर्शनियां करदा है, लखां लोग प्रभावित होंदे ने, लखां लोग उसदे पुजारी आउंदे ने। पर मैं अर्ज करां प्रभु करके नहीं, उस तंत्र सिद्धि करके। अगर वो तंत्र सिद्धि नहीं तो शायद ये गल ना होवे। और ये तांत्रिक सिद्धि इसदे कोल चंद्रा स्वामी कोल ना आउंदी तो मेरे ख्याल भारत दी सेंट्रल हकूमत सारे मिनिस्टरां नूं इसने मुट्ठी च नहीं करना सी, सारे इसकी मुट्ठी च सन, सारे इसके इशारियां ते नचते रहे। मैं ते कुछ इस तरह का भी पढ़िया है कि जार दे समय रासपूतन नाम का एक तांत्रिक रशिया दे च भी सी, जिसने उस वक्त दे इस बादशाह कोल बड़े गलत काम कराए। धर्म बारे नफरत रशिया दे च अगर पैदा हो सकी ठीक है, कि कार्ल मार्कस दे विचारां दा बहुत वड्डा प्रभाव हो, लेकिन इस दे च कुछ उस तांत्रिक योगी दा भी असर। उसने इस तरह दे गलत काम कराए कि लोकां दे मन दे च धर्म तो नफरत पैदा हुई। जैसे इस वक्त हिंदुस्तान दे सारे अखबार कह रहे ने कि धार्मिक लोगां दे काम ने, जितने भी चोटी दे वड्डे अखबार ने वो कहिंदे ने इस वक्त दा एक वड्डा अपने आप नूं कहण वाला संत जितना गलत हो सकदा, इतना थल्ले हो सकदा है, तो धर्म की है, कुछ भी नहीं है। मुहम्मद साहब ने हजरत अली नूं कहा सी एक गल, हदीस मैं पढ़ रहा सी एक दिन, अली धार्मिक बंदे दी एक गलती लखां गलतियां वर्गी है, उहदी एक गलती नहीं है। शायद आम साधारण बंदे दियां हजारां गलतियां भी एक गलती वर्गियां होवन, क्योंकि उस हजारां गलतियां नाल वो खुद दुखी होवेगा, जगत नहीं। पर धार्मिक मनुख दी एक गलती, और खास करके वह प्रतिष्ठित होवे, जानिया गया होवे, सारे मनदे होवन, एक गलती लखां गलतियां वर्गी है, क्योंकि लखां मनुख भटकणगे, उन्हां दी श्रद्धा नूं चोट लगेगी, उन्हां दी श्रद्धा टुटेगी, उन्हां दी श्रद्धा नूं आघात पहुंचेगा। ठीक है, राजे भोज ने ये तांत्रिक अपने राजपाठ चो कढ दिते सन, पर तंत्र विद्या सारी दुनिया च किसे ना किसे रूप दे च मौजूद है। हिंदुस्तान तो बाद अगर वड्डे पद्धर दे च है
तो चाइना दे च है, अफगानिस्तान दे च भी है, ईरान दे च भी है, ये भी मैरिज कर दें। बस सिर्फ नाम अलग अलग ने, पर ये है। धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज कहते हैं, हे परिपूर्ण परमात्मा, जो तेरा नाम है यही यंत्र है, यही तंत्र है, यही मंत्र है, और कुछ भी नहीं। नमो मंत्र मंत्रं, नमो यंत्र यंत्रं, शायद आप जाप साहब पढ़ते हो, वो जेड़े नितनेम करते हैं जाप साहब का, पंच बाणियां का पाठ करते हैं, उन्होंने सामने जाप साहब दियां ये पंक्तियां आईया होणगियां। नमो मंत्र मंत्रं, नमो यंत्र यंत्रं, नमो सर्व मंत्रं। फिर इस तरह दूसरी छंद विच इस तरह आंदा है, ए परमात्मा तेरा नाम सारे मंत्रां दा मंत्र है, सारे यंत्रां दा यंत्र है, सारे तंत्रां दा तंत्र है। किसी तंत्र दी लोड़ नहीं, किसी यंत्र दी लोड़ नहीं, और किसी मंत्र दी लोड़ नहीं। तो खैर मैं ये इस वास्ते अर्ज कीती है कि मनुख कोल शक्ति ते है, ताकत है, एक बच्चे कोल भी है, जवान कोल भी है, बुढ़े कोल भी है, और उस शक्ति दे निकास दे द्वार परमात्मा ने नौ बनाए ने। ये शक्ति जब शरीर देच भर जाए तो इन्हां नौ दरवाजे दे राही बाहर निकले। तांत्रिक पुरुष निकास दे दरवाजे बंद कर देने, ये शक्ति बाहर नहीं जानी चाहिए। वेखदे हां भी शक्ति बाहर जाती है, शाम तक अखां थक जांदी हैं देख देख के, मनुख थकदा है देख देख के भी, मनुख थकदा है सुन सुन के भी, मनुख थकदा है बोल बोल के भी, मनुख थकेगा स्पर्श करके भी। ऐसा कुछ भी नहीं कि मनुख दे अंदर थकावट ना पैदा होए। ते थकावट दा मतलब की है, शक्ति दा निकास हो गया। इस शक्ति दे निकास दे दरवाजे बंद करने ने, और जो अंदर संकल्प है करण दा, उस दे च उस शक्ति नू प्रगट करना है। अगर वाकई संकल्प दी पूर्ति हो गई तो इस नू कहिंदे ने तांत्रिक सिद्धि प्राप्त हो गई है, ये शक्ति मिल गई। जद लोकी परमात्मा नाल जुड़न दा शौक ना रखन, क्योंकि उत्थे सारियां कामनावां एक पासे रखनियां पैंदियां, काहू फल की इच्छा नहीं बाचे, केवल भगत कीर्तन संग राचे। हथ जोड़ के मैं माफी मंगा, ऐसा केड़ा पुरुष है जो किसी भी कामना नु मुख रख के गुरुद्वारे ना आंदा होवे? कोई कामना नहीं, कुछ भी कामना नहीं। हे गुरु, तेरे कोल आना ही एक रस है साडा, तेरे कोल बैठ जाना ही साडी जरूरत है, तेरी गल सुनना ही एक सरूर है, और कोई कामना नहीं। काहूं फल की इच्छा नहीं बाछे, चाहे मनुख तीर्थां ते जा रहे ने, चाहे मनुख आम मंदिर मस्जिद गुरुद्वारियां दे जा रहे ने, रोज जा रहे ने या कदी कदाई जा रहे ने, कोई ना कोई कामना ही खिंच के ले आ रही है। कामना अखंड पाठ रखिया जा रहा है, कामना लंगर कराया जा रहा है, कामना सेवा कीती जा रही है, कामना कथा कीर्तन कीता जा रहा है, कोई कामना कथा कीर्तन सुनिया जा रहा है, कोई कामना। और कामना नाल जोड़ दईए तो पातशाह दी बाणी कहिंदी उह कर्म धार्मिक नहीं है, उह संसारी कर्म हो जांदा है, कर्म धंधा हो जांदा है, कर्म धर्म नहीं है। अगर उसनू कह दईए कर्म धर्म है तो गुरु अर्जन देव जी कहिंदे ने पखंड है, कर्म धर्म पाखंड जो दीसे, तिन जम जागा तेल उठे। ये मनुख जन्म ते मरण दे चक्कर दे च पएगा, बच नहीं सकदा। क्यों?
इस दा धर्म जिस कर्म ते खड़ा है इनू भरम है, यह कर्म धार्मिक नहीं है, लेकिन भरम है इसनू ये कि मैं धार्मिक कर्म कर रहा हूं। गौर नाल सरवण करना, कर्म धर्म पाखंड जो दिसे, पाखंड खंडत दो टुकड़िया च दिखाई कुछ होर देवे और होवे कुछ होर, उनू कहिंदे ने पखंड। ये गल प्रचलित हुई हाथी दे दंदा तो भी प्रदर्शित करने लई दिखाण लई हाथी दे दंद कुछ होर ने, पर वस्तु नू खाण लई चबाण लई उहदे दंद कुछ होर ने। तो एक मुहावरा प्रचलित हो गया, पखंड की व्याख्या करनी है तो किवें करिए, बस दो लफ्जां च कर देंदे ने, हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और, इंज कह दिता जांदा है। पखंड करम धर्म पाखंड जो दिसे, जो गिणती है सियाणे मनुखां दी, उते ऐसा कहिंदे ने हजारां दे इकट्ठ दे च कोई एक दो मनुख धार्मिक होंदे ने, बाकी सब व्यवहारी व्यापारी कुछ कामना है। मैं हजारां दी अज दी गिणती दे हिसाब नाल कहना, सियाणे मनुख कहिंदे ने, धन गुरु अर्जन देव जी महाराज दे बोल मैं थोड़े सामने रखा, कोट मधे को बिरला सेवक होर सगले व्यवहारी। गुरु अर्जन देव जी, ये धार्मिक जगत दे च मंदिर और होर धार्मिक सथलां दे च ये जो दिखाई दे रहे ने, कोट मधे को बिरला सेवक, इन्हां करोड़ां च कोई कद सेवक होवेगा, भगत होवेगा करोड़ां च। महाराज जो ये बाकी आ रहे हैं, कोई नमाज पढ़ रहा है, कोई पूजा पाठ कर रहा है, कोई कथा कीर्तन कर रहा है, कोई सुन रहा है, ये कौन है? फिर ये पंक्ति ध्यान पूर्वक सरवण करना, एवें फोकियां उपमा भी ना सुनना। अक्सर बहुत सारी अतकथनी आउंदी है धार्मिक जगत विच, ते ये भी मैं अर्ज करदे आ, अतकथनियां भी इस वास्ते चल पईआं कि मनुख दा सुनन दा हाजमा बड़ा कमजोर है, पचा नहीं सकता, हाजमा कमजोर है, फिर मनुख उल्टियां करन लग पैंदा है। और ऐसा मैं अक्सर देखे है, इस वास्ते मैं भी अपने जज्बे नू थोड़ा जिहा काबू च रखे, भी देखी ते सी हाजमा किन्ना किन्नी क गल पचा सकदे ने। तो मैं सारी जगत दे च देखे है, हो सकता है भी तो है भी कोई गजा भोजन भारी भोजन ते कोई पचा लवे, वजनी गल पचानी पचानी औखी है, कठिन है, औखी है, बहुत कठिन है। मैं उत्थे सनहोजे कह बैठा, क्योंकि उत्थे एक सिंह कीर्तन कर रहा सी, बड़ी मधुर धुन दे च मैनू बड़ी प्यारी लगी, ते किसे ने पंड दिता स्टेज ते और सीधा ये आख्या भी थोड़ी धुन थोड़ी स्तरज ने सानू फलाने फिल्म दी याद करा दिती है, ते असी ते इंज महसूस कीता जिवें थिएटर दे च बैठे। होर भी पंज सत गल्लां और एक कीर्तनिया मेरे अगों रोया, दुखी होया, बहुत दुखी होया। मैं कह गल इस तरह है, अगर कोई फिल्म स्टार जिड़ा लून वरतदा होवे, जिड़ी मिर्च वरतदा होवे, वो असी नहीं वरतनी क्योंकि वह वरतदा है। जिस शॉप तो उसने बूट खरीदे आवन, जुतियां खरीदिया आवन, तो जिस डंग दियां खरीदिया आवन, वह नहीं पहननियां क्योंकि फिल्म स्टार पहनते हैं। जिड़ा कपड़ा उसने बाजारों खरीदे होवे, जिस थां तो खरीदे होवे, आखि यह कपड़ा लेना ही नहीं क्योंकि फिल्म स्टार ले लेंदे ने। सत सुरां ने हुण सत सुरां दे च धुन बनानी है, आप सुन के हैरान होवोगे
एक संगीतकार ने थोड़ा ही अरसा होया इत्थे कबूल की मेरे को गल इत्थे ही मिले कैलीफोर्निया च भी असी कुछ रागियां दी धुना उन्हां तो तर्जा बनाईया सरदूल को आतड़ा करके मैनू मिलिया ऐदर सनोजे दे पिछले साल उन्हें साफ कबूल कर लिया मन लिया भी ये ते सत सुरां ने उन्हों तरतीब दे के एक धुन बना देनी है मैं बना दी तो फिल्म ही हो गई किसी रागी सिंह ने बना दी तो कीर्तन हो गया तो सत सुरां ने वाकई सत सुरां ने तो सत सुरां नूं ही तरतीब देनी है ना आखिर मसालियां नूं सब्जी नूं तरतीब दे के ही सब्जी बननी है कटना है कुटना है उहदे च मसाले पाने न अग ते रखना है जिहड़ा ढंग एक फिल्म स्टार दा है सब्जी बनाण दा यकीन जाणो बाकियां दा भी होई है जिस सत सुरां दे चों फिल्म स्टार संगीत दी धुन बनांदे ने या फिल्म म्यूजिक डायरेक्टर धुन बनांदे ने उसे च सारा जगत बनांदा है फर्क सिर्फ इतना इंज कह दईए एक फिल्मी स्टार ने खाना बनाया है तो ये उसका खाना फिल्मी खाना हो गया इंज कहांगे फिल्मी खाना हो गया नहीं इस तरह की गल नहीं है मैं उसनू आखिया तू शब्द सुन के थिएटर दे चला गया तो तू धुन सुनदा रहा तू शब्द सुनिया ही नहीं गुरसिख आशिक शब्द दे भाई साहब भाई गुरदास जी कहते हैं गुरसिख ते शब्द दा आशिक है शब्द भोजन है एक साधारण संगीत दी धुन साधारण जिसनू कह दईए सुर दे च भी नहीं सी ताल दे च भी नहीं सी लेकिन है सी गुरु दा शब्द हुण जिहनू भुख लगी होवे बहुत भुख लगी होवे ते उहदे अगों भोजन रख दईए पतलां दे च मिट्टी दे भांडियां च कदी भुखे ने चार दिन का भुखा होवे ओ ये आखेगा नहीं चांदी दे भांडियां च रखो तां खावांगा सोने दे भांडियां च रखो तां खावांगा भुखा ते खा जाएगा भांडियां नाल की मतलब भोजन नाल मतलब है पर हो सकदा है किसे बदअज़मी करके भुख ना लगी होवे किसे कारण करके सोने दे भांडे च भी पिया होया भोजन होवे शायद स्वादी ना हो शायद रस जो है ना लगे संगीत दी धुन चांदी दे भांडे ने सोने दे भांडे ने हीरे मोतियां नाल जड़त हो सकते ने पर कोई ऐसा भी हो सकता है शायद मिट्टी दे भांडे च पेश करे पर मैर्ज करा घ्यो मिट्टी दे भांडे च चांदी दे भांडे च सोने दे भांडे च घ्यो ही है अमृत अमृत ही है गुरसिख आशिक शब्द दे सिख ने जुड़ना है शब्द नाल तो गुरुद्वारे कोई आ सकता है अपनी कामना नु मुख रख के अपनी वासना नु मुख रख के कोई कविता नु मुख रख के कोई संगीत नु मुख रख के एक सज्जन तो मैनू कहन लगे गैनी जी थोड़ा जिहा हास रस भी पेश दिता कर कीता करो इत्थे एले दे च भी थोड़ियां गल्लां सुनदे सिर थक जांदा है सिद्धी तो कोई थोड़ा जिहा हास रस पेश कर दिता करो तो साडा थकेवा लै जाए तो मैं कह मैनू मस्करा पण ते आंदा ही नहीं मस्करा मैं हैगा ही नहीं मैनू मजाक आउंदी ही नहीं तो हुण मैनू पढ़नी पएगी स्टडी करनी पएगी मैं कह हुण मेरी इतनी जिंदगी भी नहीं रही समा लंघ गया तो मजाक दे च मेरा शौक भी नहीं मेरी रुचि भी नहीं हुण इस तरह के बंदे भी आए तो हुण उन्हां नूं इत्थे लतीफे सुनाओ आसरा सुनाओ तो गर्स के कोट मधे को बिरला सेवक होर सगले व्यवहारी करोड़ां च कोई एक कद सेवक एक मैं ते हजारां दी कह रहा क्योंकि अज दे जिहड़े धार्मिक ज्ञानी ने जो धर्म दे गहरे तल दे च जा रहे ने वो कहिंदे ने हां
अगर 1,000 मनुखां दा इकट्ठ है तो एक बंदा ते असी इस तरह दा मन सकदे हां जो कामना नू मंदिर दे दरवाजे ते बाहर रख के आया होवे, कामना नू नाल लेके नहीं आया, कतई नहीं, भावना नू नाल लेके आया है, श्रद्धा नू नाल लेके आया है। कबीर भी कहते ने, कबीर साधु को मिलने जाइए साथ न लीजे कोई। जब तू सत्संग दिश जावे, गुरु कोल जावे, नाल किसे नू खड़ी ना, तो क्या परिवार नाल नहीं आना चाहिए, बच्चे नाल नहीं आने चाहिए? कबीर ऐसा नहीं कह रहे, और वो नाल होके भी नहीं ने, वित है। ये भी मैं अर्ज कर दें, हर मनुख इंज कह लो कल ही है। हिरदे दिच कोई कामना नाल लेके ना आवे, ये दरवाजे दे बाहर रख के आवे, जिथे जुतियां जोड़े रखे ने उथे ही रखे। कबीर साधु को मिलने जाइए साथ ना लीजे कोए, कोई कामना नाल लेके ना जाए। काहूं फल की इच्छा नहीं बाचे, केवल भगत कीर्तन संग राचे। महात्मा बुद्ध ने अपने चचेरे भरा नूं कहा सी, आनंद स्वामी उहदा चेला बन गया सी, भई आनंद बहुत वड्डी भीड़ विच कतई कोई बारीक बीन मनुख नहीं आउंदे, स्याणे मनुख नहीं आउंदे, और स्याणे मनुखां दी कतई भीड़ नहीं आउंदी। ये सूत्र है, धम्मपद दा एक सूत्र है। प्रश्न ने लोगां दे, भिक्षुआं दे ते महात्मा बुद्ध दे उत्तर ने, ये प्रश्न ते उत्तर सवालो जवाब दा ग्रंथ है, इनू धम्मपद कहिंदे ने। बहुत वड्डी भीड़ विच कोई स्याणे मनुख नहीं आउंदे, स्याणे मनुखां दी कोई भीड़ नहीं आउंदी। इसनों हुण इस तरह लईए, गुरु अर्जन देव जी महाराज दे वाक नाल, कोट मधे को बिरला सेवक करोड़ां च को इकत। हज करन नूं इस साल भारत दे चों गालबन 3 लख मुसलमान गया, सिर्फ हिंदुस्तान दे चों, सारी दुनिया चो कितने गए होणगे हज करन नूं। कुंभ दा इशनान, 2-2 करोड़, 3-3 करोड़ मनुखां दा इकट्ठ हो जांदा है, इतने लोग इशनान करदे ने, वो जो कुंभ दा मेला लगदा है कई दिन, इन्नी भीड़, इतना इकट्ठ, इन्नी दुनिया जा रही है। तुहें सारे धार्मिक मन लईए, नहीं, होर सगले व्यवहारी व्यापारी ने। व्यापार विच की होंदा है, देना लेना लेना देना, जा रहे हैं ते हे परमात्मा हुण ये साड़ी कामना तू पूरी करी, इस वास्ते आया, देना है लेना है लेना है देना, जिहदे च देन ते लैण होवे व्यापार, श्रद्धा ते प्रेम दे च कुर्बानी है, अर्पण करना है, समर्पण करना है। काहूं फल की इच्छा नहीं बाचे, केवल भगत कीर्तन संग राचे। कीर्तन नाल जुड़े, शब्द नाल जुड़े, मंत्र नाल जुड़े। काहूं फल की, किसे भी फल दी इच्छा नु परे रखे, ये गल समझ दे च नहीं आवेगी। पता नहीं कितनिया ने मैनू कहा, खास करके स्याणे मनुखा ने, जिन्हां नू स्याणा कहा जांदा है, कहिंदे ने कामना तो बिना तो मनुख कर्म कर ही नहीं सकदा। कामना ही तो प्रेरदी है, वरना मनुख कुछ कर ही नहीं सकदा। मैं कर सकदा है, अगर कर्म ही रस बन जाए, कर्म ही स्वाद बन जाए, वाहिगुरु आखना ही रस बन जाए, तो होर की कामना करनी है। कीर्तन सुनना ही आनंद बन जाए, तो होर की कामना करनी है। और ऐसा महा आनंद कि सारे रस फिके पै जान। एक ऐसी अवस्था है
ਜਿੱਥੇ ਕਾਹੂ ਫਲ ਕੀ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ ਬਾਛੇ, ਆਸਾ ਵਿੱਚ ਅਤ ਦੁੱਖ ਘਨਾ, ਮਨਮੁਖ ਚਿਤ ਲਾਇਆ, ਗੁਰਮੁਖ ਭੈ ਨਿਰਾਸ, ਸੁਖ ਫਲ ਪਾਇਆ। ਦੁਖੀ ਕੌਣ ਹੈ ਜੋ ਹਰ ਵਕਤ ਕਾਮਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਕਿਉਂ? ਕਾਮਨਾਵਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਇਹ ਕਾਮਨਾ ਦਾ ਨਿਯਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਖੋਗੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਈਆਂ ਦੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ। ਜਦ ਇੱਕ ਕਾਮਨਾ ਪੂਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 10 ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, 10 ਕਾਮਨਾਵਾਂ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਕੀ ਖਾਕ ਪੂਰੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਅਤੇ ਉਹ 10 ਕਾਮਨਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣ, ਪੂਰੀ ਹੁੰਦਿਆਂ ਆਉਂਦਿਆਂ 100 ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਅਤੇ ਉਹ 100 ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਾਮਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੁੱਕਣ ਦੇ ਕਰੀਬ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਮਰਦਾ ਹੈ ਕਾਮਨਾਵਾਂ ਦੇ ਬੋਝ ਤਲੇ। ਪਤਾ ਸਿਆਣੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਕਬਰ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪੱਥਰ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਮਿੱਟੀ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਸਵਾਸਾਂ 'ਚ ਮੇਰੀਆਂ ਨਿਕਲੀਆਂ ਸਨ ਇੱਛਾਵਾਂ ਕਾਮਨਾਵਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਬਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ, ਨਹੀਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਹੀ ਦਬ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਮੈਂ। ਕਿਸ ਦੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ? ਕਿਸ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ? ਕਤਈ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਨਿਯਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਛਾ ਦੇ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਦਾ ਨਿਯਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੂਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, 10 ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ 1 ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਸੀ, ਹੁਣ 10 ਦਾ ਸ਼ੌਕ, ਹੁਣ 10 ਦਾ ਗਮ। ਉਮਰ ਦੇ ਵੱਧਦਿਆਂ ਵੱਧਦਿਆਂ ਅਧੂਰੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਦੀ ਪੰਡ ਬਹੁਤ ਵਜ਼ਨੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਚੁੱਕਣਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਰਨਾ ਬਜ਼ੁਰਗੀ ਬੁਢੇਪੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਈ ਅੱਛੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ, ਅਨੁਭਵ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਸੀੜੀਆਂ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੜਿਆ ਹੈ, ਉਤਾਰ ਚੜਾਅ ਇਸਨੇ ਬੜੇ ਦੇਖੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਬੜਾ ਰਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਨਹੀਂ, ਗਮਗੀਨ ਹੈ, ਬੇਚੈਨ ਹੈ, ਦੁਖੀ ਨੇ ਬਿਰਧ। ਔਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਧਰ ਕੈਨੇਡਾ ਅਮੈਰੀਕਾ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇੱਧਰ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ, ਦੇਖ ਕੇ ਦੰਗ ਹੋਇਆ। ਦੁਪਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਰਧ ਲੋਕ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬਾਹਰ ਮਹਿਫਿਲ ਸਜਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਹਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ 15-20-30-40 ਗੱਪਾਂ ਮਾਰਨਗੇ, ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ, ਚਿਹਰੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉਦਾਸ ਗਮਗੀਨ। ਜਿਉਂ ਰਹਿ ਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ, ਕੀਰਤਨ ਆਰੰਭ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਬਸ ਰਹਿ ਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪੰਕਤੀ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ, ਨਸੇ ਭਾਜੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨੇ। ਇਹ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ, ਗਮਗੀਨ, ਬੇਚੈਨ, ਦੁਖੀ, ਇਤਨੀ ਕਾਮਨਾਵਾਂ ਦੀ ਪੰਡ ਬੋਝ ਥੱਲੇ ਦਬੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੌਣ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣੇ, ਕੌਣ ਕਥਾ ਸੁਣੇ, ਕੌਣ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ? ਕਾਮਨਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ, ਕਾਮਨਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦੀ। ਇਹ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਕਰੋੜਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਮਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇ ਸੁੱਟ ਕੇ ਆਵੇ। ਅਤੇ ਤਾਰਕਿਕ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, 2-4 ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਕਾਮਨਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਰਮ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਹੁੰਦਾ ਅਗਰ ਕਰਮ ਰਸ ਬਣ ਜਾਏ, ਕਰਮ ਸਵਾਦ ਬਣ ਜਾਏ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਰਮ ਹੀ ਸੰਗੀਤ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਕਰਮ ਹੀ ਗੀਤ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਔਰ ਕਰਮ ਹੀ ਇਤਨਾ ਮਹਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਤੋਂ ਤੇ ਇਹ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਕਰਮ ਹੀ ਭਗਵਾਨ ਹੈ, ਭਗਵਾਨ ਹੀ ਭਗਵਾਨ ਹੈ, ਐਸਾ ਨਹੀਂ, ਕਰਮ ਹੀ ਭਗਵਾਨ ਹੈ। ਔਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਕੀ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਸ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਹੋਵੇਗੀ? ਕਰਮੀ ਕਰਮੀ ਹੋਏ ਵਿਚਾਰ, ਸੱਚਾ ਆਪ ਸੱਚਾ ਦਰਬਾਰ। ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ, ਦੂਸਰੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਖੈਰ, ਮੁਕਤਸਰ ਮਹਿਰਜ ਕਰਾਂ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੰਠ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਵਾਕ ਨਿਕਲਿਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੂਲ ਮੰਤਰ।
मूल बीज बुनियाद बुनियादी मंत्र ओ जिहड़ा बुनियादी मंत्र निकलिया है उसका आखिरी शब्द है प्रसाद, उसका पहला शब्द है एक। ये गुरु घर विच मूल मंत्र, गुरु अर्जन देव जी इसकी इस तरह उपमा करते हैं, औखद मंत्र मूल मन एक है, जेकर दृढ़चित की जे रे, जन्म जन्म के पाप कर्म का काटन हारा लीजे रे। मूल मंत्र एक ऐसी औषधि है कि जन्मा जन्मांतरां दे जो पाप ने, गुनाह ने, धब्बे ने, दुख ने, संताप ने, मिट जाते हैं। इस मंत्र विच इतनी शक्ति, इस मंत्र विच इतना बल, इस मंत्र दी इतनी महिमा। कहिंदे ने मंत्र जपदिआं जद रस आण लग पए मंत्र सिद्ध हो गया। संकल्प कीता है और अपनी सारी कठी शक्ति नो उस संकल्प दे राही बाहर मनुख पूर्ति कर सके, उनू कहिंदे ने तंत्र सिद्धि। तंत्र सिद्ध हो गया, जिहड़े 84 सिद्ध होए ने वास्तविक ए तांत्रिक सन। उस जमाने दे बड़ियां करामातां दिखांदे सन, बड़ियां गल्लां, और ये अज भी ने। हिरदा शुद्ध होवे भावे ना होवे अक्सर नहीं आउंदा, लेकिन तांत्रिक सिद्धि की प्राप्ति हो जाती है। उस दे नाल हिरदे की शुद्धि की शर्त नहीं है, पर गुरु मंत्र ते उदों ही सिद्ध आउंदा है जिस दिन हिरदा पूरा पाक आउंदा है, पवित्र आउंदा है, उस तो पहले नहीं। इस वास्ते देखिया गया कि तांत्रिक योगा ते बड़े बड़े मलीन लोकां कोल भी है। जैसे हुणे मैं अर्ज कीती है कि इस वक्त भारत दे सब तो वड्डा तांत्रिक योगी जेल दे च है और उसनू अपराधी मामलों च पकड़।